शहरों में कहां वो सुकून जो गांव में है, माँ की गोदी नीम और पीपल की छांव में है। मान्यता है कि गोंडा यानी गोनर्द क्षेत्र में ही प्रभु श्री राम की गाय चरा करती थी। यहाँ आज गोंडा के ग्राम भगहरिया पूरे मितई में हम हैं, तो आइए चलकर यहाँ देखते हैं कि चौपाल पर क्या हो रही है चर्चा। इस गांव में हम आ गए हैं जहां चौपाल लगी हुई है, और देखिए ये चौपाल कितनी बढ़िया है। और सबसे पहले हमको ये चाचा जी ही दिख रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका चाचा? ईदू। बड़ा अच्छा नाम है आपका, ईद से सीधा जुड़ता है जी। आपकी बात यहां गांव के लोग सुनते हैं? सुनते हैं। क्या क्या, जैसे हमें कुछ बता दीजिए। जैसे कोई काम लगता है कि ये सरकार की तरफ से आया है, ये सब चीज हमको मिल रहा है बराबर। क्या क्या वैसे आपको मिल रहा है? हमको गल्ला मिल रहा है, बाथरूम भी मिला हुआ है, और दो आवाज भी मिला हुआ है। एक हमारा है, एक मेरे पिताजी का है। तो ये सब कैसे मिला आपको? ये सब हमारे योगी मोदी की सरकार से जब आया तब हम लोगों को मिला। आपका फोन बजा है क्या अभी? हाँ हाँ। फोन चार्ज होने के लिए व्यवस्था है? लाइट है हमारे पास, मोदी जी का योगी जी का देन है। पहले लाइट नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत दिक्कत थी। आज जो है हर घर में लाइट है। और क्या हालचाल बा? बहुत बढ़िया है। जब से योगी बाबा जीते हैं तब से हमरे मौजा में बहुत सुविधा है। वे हमरे खेते में बोरिंग नहीं रही, कहा वहाँ हो ही गए। सुविधाओं के साथ साथ जो योगी जी के आने से हमारे प्रदेश को एक नई पहचान मिली है। पहले जब हम लोग बाहर जाते थे पेपर वगैरह देने के लिए तो हमसे एक अलग बिहेवियर करते थे वहाँ के लोग। लेकिन अभी मैं हाल ही में राजस्थान गया था, रीट का पेपर था जी। तो वहाँ पे जब हम लोग बताया कि हम लोग यूपी से आए हैं अयोध्या के बगल से, तो एक जो अलग सम्मान मिला वो चीज़ें अब देखने को मिल रही है। और सुरक्षा का माहौल जो हमारे यहाँ बन रहा है आज के समय में वो पहले नहीं था। पढ़ाई के दौरान आपको कुछ लाभ सरकार से लगता है कि मिला है? बिल्कुल सर, जब मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया तो मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, और दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा करने से पहले पहले 41,000 रुपये मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। केवल मेरा 10,000 रुपये लगा, मतलब लगभग पूरी फीस। लगभग पूरी फीस, और दूसरे साल भी मुझे मिल गई। चूंकि मेरा 90% था फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए दूसरे साल भी मुझे पहली शिफ्ट में ही मिल गई। अब अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो 2012 में मैंने ग्रेजुएशन किया था लखनऊ से, सेठ विशंभरनाथ कॉलेज से। वहाँ भी मेरा परसेंटेज, मैं कॉलेज में टॉप 2 पे था। अब वहाँ मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली और यहाँ मिली। ये सरकार की ही व्यवस्था है कि अब पात्र व्यक्तियों को मिल रही है स्कॉलरशिप। सुंदर सुहाना लागे आज अपना गाँव रे, सुंदर भइले सब गाँवों की गलियां, बिजली जले खूब भइले रोशनियां, खुशी मिली तन में जब चले हाथ पाँव रे, मन वालों भाए गइले पीपल के छांव रे। महिलाओं को सुरक्षा है यहाँ? जी हाँ। क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है अगर बता सके तो? हमें शौचालय भी मिली है, राशन भी मिलता है, और लाइट का भी सब सुविधा है। खाना कैसे बनाती हैं आप? खाना तो हम गैस पे बनाते हैं, वो भी मिला है मुझे, उज्ज्वला सिलेंडर मिला है। अच्छा चाची, आपको कोई लाभ मिला? हमका सब लाभ मिला है भैया। क्या क्या मिला? हमका रहने के लिए मिला है, सिलेंडर भी हमको मिला, खाना बनाए थे सिलेंडर पे। और बाबा क्या हाल चाल बा? है सरकार एकदम से बढ़िया है, कोई पैसा बहुत सुविधा है। सुन के बोल रहे हैं क्या? नहीं, सबका सुन के नहीं बोल रहे हैं। कॉलोनी भी पावा और शौचालय भी पावा। आपको और कोई पेंशन उन्शन भी है कि नहीं? पेंशन है, हम पाए थे पेंशन। पेंशन 1,000 दियो, पेंशन 1,000 कियो जीवन में उपकार। वो 60 साल के बाद हुए हम खर्चे से लाचार, किया बुढ़ापे का खर्चा तेरी खूब चले सरकार, कियो जीवन में उपकार। घर के का हाल चाल बा? घर तो हमारा सब बढ़िया है, हमें योगी मोदी सब हर सुर देते हैं, हर एक चीज देते हैं। अच्छा। हमारा लाल कार्ड बना है और हमें राशन मिलत है।
हमका पेंशन मिलता है, हमें हर एक चीज मिलता है, हमें योगी मोदी सब देता है। क्या क्या मिलता है आपको? अरे मोदी जी हमको खेतौनी देते हैं, आवास भी दिया, मेरा मकान भी बन गया सब लोगों को। गांव में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं, क्या अंतर आपको लग रहा है? अंतर ये है कि जैसे हम लोग भी जब बाल्यावस्था में थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो मुझे वो दिन भी याद है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए लाइटें नहीं रहती थी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत आज हर घर में लाइट आपको मिलेगी। ये योगी सरकार की देन है कि अगर 3 घर का भी मजरा रहा है तो वहाँ भी लाइट उन्होंने पहुँचाई है। और पारदर्शिता लाना सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है कि गाँव में कम से कम जो भी योजनाएं हैं वो पारदर्शिता रूप से वहां तक गरीबों तक पहुंचे। देखिए गांव में जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं, चौपाल पर नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग बातचीत करके अपने गांव के विकास की चर्चा कर रहे हैं और सरकार ने जो योजनाएं भेजी हैं उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और खुद उसका बखान कर रहे हैं। इससे मन तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही अच्छा लगता है कि गांव खुशहाल भी हो रहा है। अब अगले गांव में चलेंगे और वहां देखेंगे गांव के चौपाल पर खुशहाली का क्या है आलम।